ये समी जी, अगर बात करें ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में आज हमने सुबह के कारोबारी सत्र में, सुबह के ट्रेडिंग सेशन में एक हल्की सी गिरावट बनते हुए देखी थी, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड की जो प्राइसेज हैं रिकवर होते नज़र आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो पहले वाले लेवल्स थे 11,000 के ऊपर के और 6,100-6,200 के लेवल्स, क्या अब वो फिर से आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस जो एक रुझान है वो ऊपर की तरफ है। हालांकि इमीडिएट तौर पे एक दायरे में कारोबार हो सकता है जो दायरा करीबन 5,750 से लेकर 6,200 का होगा, लेकिन लंबी अवधि में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 2 से 3 हफ्तों में हम दोबारा 6,600 के स्तर देख पाएंगे, और उससे भी आगे अगर व्यू लें तो मुझे लगता है कि 7,000 तक के लेवल अखबार सीड में देख सकते हैं। उसी प्रकार ग्वार गम में भी ऐसा लगता है कि हमें करीबन जो 12,000 से 12,500 के दाम है वहां हमें 1 से 1.5 महीने में देखने मिल रहा है। जी अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।